मैं जाना चाहूंगा गुरमीत सिंह सर के पास। गुरमीत सिंह जी, अब अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है? इवैक्यूएशन वो करना चाहते हैं, वो आईएस को जवाब देना चाहते हैं, वो अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहते, वो करना क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए जी, अभी जो हुआ है उसके बाद में जो अमेरिका के पास ऑप्शन है वो सीमित है। पहली बात तो ये कि जो इस हमले के पीछे हैं उनको एक रिस्पांस देना, मिलिट्री रिस्पांस और काउंटर टेररिज्म का रिस्पांस देना, ये पहली बात है। दूसरी है कि एवैक्यूएशन को, अपने मिशन को जारी रखना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हुआ है, ये काबुल में जब तालिबान का वहां पर पूरा कब्जा है, ये तब हुआ है जब पूरे काबुल और एयरपोर्ट के इलाके के अंदर में हकानी नेटवर्क का जो जिम्मेवारी उनके अहदेदारों को दी है सिक्योरिटी काबुल की, ये हुआ है जो ISKP जो पाकिस्तान के साथ में का एक हिस्सा है, उनके एक षड्यंत्र का, उनके साजिश का हिस्सा है, उन्होंने क्लेम किया है। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों जो ISKP जो पाकिस्तान के इस्लामिक स्टेट का टेररिस्ट ग्रुप है, हकानी नेटवर्क और तालिबान, और जिनके पीछे में खड़ा है डीप स्टेट पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान आर्मी, ISI और उनकी सरकार, और ये जो उन्होंने किया है ये, और इतना मैं कहूंगा स्पष्ट रूप से जो फॉर्मर यही कह रहा था कि इस पूरी सिचुएशन में अगर अमेरिका की फोर्सेस दोबारा एंगेज होती है इनके साथ काबुल की, अफगानिस्तान की धरती पर, तो फिर बात कहां जाकर रुकेगी? अगर नागरिक निकाल भी लिए जाएंगे तो क्या आसान होगा कि इस एंगेजमेंट के बाद आप सेना को वापस बैक कर लें, आप पुल ऑफ कर लें? देखिए जी, एक बात पक्का क्लियर है, अगर आप बारीकी से सेंटेंस देखें जो US के प्रेसिडेंट ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है वी विल हंट यू डाउन, मेक यू पे, नॉट फॉरगिव, नॉट फॉरगेट, और ये भी बोला है कि जिन्होंने ये अटैक किया है और जो अमेरिका का हार्म चाहते हैं, यानी कि दुनिया का हार्म चाहते हैं, और वो सीधा सीधा जो इंडिकेशन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तो जो प्राथमिकता है उसको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के साथ में इवैक्यूएशन को कंप्लीट करना। तालिबान ने तो अभी डेट 31 से 30 अगस्त करने की सोच विचार किया है, लेकिन अभी एक बात पक्की है कि इसका जो रिवर्स स्ट्रोक आएगा वो पाकिस्तान पे आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो एक हद पार कर दी है, एक तो वहां पर तालिबान ऑफेंसिव के समय के ऊपर में उन्होंने जिस प्रकार 20,000 लड़ाकों को वहां भेजा, जिस प्रकार 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ने तालिबान की सपोर्ट की, और ना केवल वहां पर टेररिस्ट की सपोर्ट लेकिन चाइना की भी सपोर्ट टेररिस्ट एक्सेस के ऊपर में दी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।